गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आप लोग अपनी नोटबुक में वर्क करेंगे। तो निकाल लीजिए 3-in-1 नोटबुक, उसमें इंग्लिश निकालिए। आज हम ई साउंड वर्ड राइट करेंगे, ई साउंड वर्ड बनाएंगे, ठीक है। तो नोटबुक में इस तरह से पहले वर्क को उतार लेंगे और उसके बाद आप लोग वर्क करेंगे, ठीक है। तो निकाल ली सभी ने, चलिए वेरी गुड। अब करते हैं वर्क करते हैं, पहले से पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है? पी। क्या लिखा हुआ है बच्चों? पी। पी लेटर से कौन सा साउंड बनेगा बताइए? पी लेटर से कौन सा साउंड बनेगा? प। कौन सा साउंड बनेगा? प। और ई एन को क्या बोलेंगे? ए न। प ए न, एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे। प ए न, पैन। बोलिए पैन। यहां पर क्या लिखेंगे? पहले पी, फिर इन दोनों को मिलाएंगे ना, पी ई पैन। पैन एक साथ मिलाकर क्या पढ़ेंगे इसे? पैन। प और एन मिलाकर एक साथ पढ़िए, पैन। क्या बन गया बच्चों? ये पैन। सेकंड नंबर एम। एम लेटर से कौन सा साउंड बनेगा बच्चों? म। कौन सा साउंड बनेगा? म। तो म और एन, ई एन को एक साथ पढ़िए एन। म और एन को एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो मैन। म और एन को एक साथ मिलाकर पढ़िए मैन। मैन, मैन मीन्स आदमी, मैन। तो यहाँ एम बनाएंगे पहले अपर थ्री लाइन में एम, और एम का ये याद रखना है आपको, ये जो बीच में होती है ना स्लैंट लाइन, इसको थर्ड वाली लाइन तक लेकर आना है। एम ई एन, मैन। एम ई एन, म एन, मैन। थर्ड नंबर एच। एच लेटर से कौन सा साउंड निकलता है? ह। कौन सा साउंड बनता है बच्चों? ह। एच लेटर से ह साउंड। और ई एन को क्या बोलते हैं? एन। ह एन, हैन। एक साथ पढ़िए, ह और एन को एक साथ पढ़ेंगे, ह एन हैन। पढ़कर देखिए, हैन। ह एन हैन। तो यहाँ पर मिलाकर इसे क्या लिखेंगे हम? एच ई एन। क्या हो गया ये बच्चों? मिलाकर पढ़िए, हैन ह एन हैन हैन, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आपको बोल बोल कर वर्क करना है, ठीक है। फोर नंबर देखिए, पी लेटर देखिए पहले कौन सा लिखा है। पी। कौन सा लिखा है लेटर? पी। पी लेटर से कौन सा साउंड बनेगा बच्चों? प। कौन सा साउंड बनेगा? प। प और ई टी को एक साथ पढ़ेंगे ए ट। ई से ए, टी से ट, एट। प ए ट एक साथ पढ़िए, प और एट को एक साथ पढ़ेंगे तो पैट। एक साथ पढ़ेंगे तो कैसे बोलेंगे? पैट पैट। बोलकर देखिए, प एट। अब एक साथ पढ़िए
यहाँ पर क्या लिखेंगे? पैट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? पी ई टी एट। एक साथ पढ़िए, प एट पैट, प एट पैट। पैट मीन्स फालतू। नेक्स्ट कौन सा लेटर है? देखिए एन, एन। अब इसमें साउंड आपको समझ में आ रहा है कौन सा बनेगा? न, एन, न साउंड। एन लेटर से न साउंड। और ईटी को एक साथ कैसे पढ़ेंगे? एट। तो न और एट को एक साथ पढ़िए, नेट। न एट एक साथ पढ़ेंगे आप, नेट, नेट। ना और ए को एक साथ बोल देंगे, नेट, नेट। मिलाकर लिखिए यहाँ पर, एन ई टी, नेट। नेट मीन्स जाल। नेक्स्ट है बी, बी लेटर। बी लेटर से कौन सा साउंड बनेगा बच्चों? आप लोग बताइए अब। बी लेटर से जल्दी बोलिए, बा साउंड। कौन सा साउंड? बा। बी लेटर से बा साउंड। बी और ई डबल एल को कैसे बोलेंगे एक साथ? एल। ई को तो ए बोलेंगे और एल को ल बोलेंगे, एल। ब एल, ब और एल को एक साथ पढ़िए, बैल। ब और एल को एक साथ पढ़ेंगे तो ब एल बैल। पहले अलग अलग पढ़ेंगे, ब और एल, ब एल बैल। क्या बोलेंगे इसे? बैल। यहाँ पर लिखिए मिलाकर, सबसे पहले क्या लिखेंगे? बी ई डबल एल बैल। क्या बोलेंगे इसे? बैल। बैल मीन्स घंटी, बैल। ऐसे ही नेक्स्ट पढ़िए, ये देखिए कौन सा लेटर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। शौर्य अग्रवाल बताइए कौन सा लेटर है? डब्लू। तो अब बताइए डब्लू लेटर से कौन सा साउंड बनेगा? व। कौन सा साउंड बनेगा? व। और ई डबल एल को एक साथ कैसे पढ़ेंगे? एल। वेल, एक साथ पढ़ो अब इसे, वेल। वेल मीन्स कुआं, वेल। व एल वेल, वेल लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले क्या लिखेंगे? डब्लू। इसकी भी ऊपर तक ले जाएंगे स्लैंट लाइन, इस तरह बनाएंगे डब्लू। अब क्या लिखेंगे? ई डबल एल वेल। वेल मीन्स कुआं। चलिए बच्चों एक बार फिर से पढ़ते हैं। प एन एक साथ मिलाकर पढ़िए, पेन। म एन, इन दोनों को क्या बोलेंगे? एन। म एन मैन। नेक्स्ट ह एन हैन। पी लेटर से प, प एट पैट। न एन लेटर से न, न एट नेट। ब बी लेटर से ब, ई डबल एल को बोलेंगे एल। ब एल एक साथ पढ़िए, बैल। बैल मीन्स घंटी।
क्या लिखा है? डब्ल्यू। डब्ल्यू से कौन सा साउंड बनेगा? व। और ई डबल एल को बोलेंगे एल, वेल। ये क्या लिखा है? वेल। वेल मीन्स कुआं। तो चलिए बच्चों, अब आप लोग भी बोल बोल कर वर्क करेंगे, ठीक है? साइलेंट वर्क कोई नहीं करेगा कि मम्मा से आपने बोल दिया कि बता दो और मम्मा बताती जा रही हैं, आप करते जा रहे हैं। आप लोग भी खुद अपने आप बोलेंगे और वर्क करेंगे, ठीक है? बाय बाय।